वेलकम बैक हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। वंस अगेन यू आर वार्म वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर। एंड इन द सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू एंड दिस इज गुड मैनर्स। दोस्तों, एटिकेट्स और मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। अगर आप किसी से रूडली टॉक कर रहे हो तो दैट इज नॉट इफेक्टिव। वेदर यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली बट यू आर रूड, देन दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट गुड। सो यू शुड यूज सम इम्पॉर्टेंट गुड मैनर्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलते समय आपको कुछ गुड मैनर्स यूज करने हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड गुड मैनर्स लेके आए हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट देम। तो फर्स्ट गुड मैनर है प्लीज। अब हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि विच गुड मैनर शुड बी यूज्ड व्हेन एंड वेयर। कौन सा गुड मैनर, कौन सा एटिकेट, किस समय हमें किसके साथ यूज करना चाहिए। तो पहला हमारा है प्लीज या काइंडली। तो दोस्तों, एटिकेट कहता है कि जब भी आप किसी से कुछ मांगना चाहें तो हमेशा हमें प्लीज वर्ड यूज करना चाहिए। जैसे आप किसी से कहते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर बुक, तो जब भी कुछ मांगे प्लीज गिव मी दिस थिंग्स, तो जब भी कुछ मांगे तो प्लीज बोलेंगे या काइंडली कह सकते हैं। काइंडली गिव मी योर पेन, काइंडली गिव मी योर पेंसिल, काइंडली गिव मी योर दैट बुक। यानी कि जब भी आप किसी से कुछ मांगेंगे तो प्लीज या काइंडली का प्रयोग करना चाहिए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज सिट हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज कम, प्लीज गो। जब भी हम किसी से कुछ कहें, कुछ बोलें, तो हमेशा हमें प्लीज शब्द का वर्ड यूज करना चाहिए। प्लीज मीन्स कृपया। अब देखिए नेक्स्ट आपका है थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। अब इनका यूज कब करना चाहिए हमें? सपोज आपने हमसे पेन मांगा, आपने कहा सर प्लीज गिव मी योर पेन, और मैंने आपको अपना पेन दे दिया। तो गुड मैनर्स कहते हैं, एटिकेट्स कहते हैं कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें उसका जवाब देना चाहिए। और उसका जवाब कैसे देंगे? उसका जवाब होना चाहिए थैंक यू सर, या थैंक यू वेरी मच सर, या मैनी मैनी थैंक्स टू यू। अब देखिए होता क्या, जैसे आपने किसी से कुछ काम करने को कहा और वो काम अगर आपका हो जाता है तो फिर आपको जवाब में ये सब यूज करना है। अब वो बात है कि देखिए जिस तरह का आपका काम है उस तरह का, या जिस तरह का इंसान है उस तरह का हमें अपना गुड मैनर यूज करना है। सपोज मान ले आपका छोटा मोटा कोई काम था तो आप सिंपली बोल सकते हैं थैंक यू, कोई सामान्य इंसान था। अब कोई आपसे बहुत सम्मानित है, बड़ा इंसान, उसने आपकी कोई हेल्प की है, कोई काम किया है, तो बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। या किसी का, किसी ने आपका और बहुत बड़ी हेल्प की जो आपको बहुत ज़रूरत थी, तो उससे में हमें बोलना चाहिए मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने क्या सीखा, यानी कि जब भी हम किसी से कुछ मांगें और अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है तो उसके जवाब में हमें बोलना चाहिए थैंक यू वेरी मच, या मैनी मैनी थैंक्स टू यू। अगला गुड मैनर आपका है नो थैंक्स। आप सपोज मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए, आप गेस्ट हैं और आपको कुछ खाने पीने को ऑफर किया जा रहा है और आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद। जैसे हमने आपसे कहा वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पियेंगे? अगर आपको चाय नहीं पीनी तो आप बोलेंगे नो थैंक्स, और अगर आपको पीनी है तो कहने कह दीजिएगा यस प्लीज। नेक्स्ट, इट इज ऑल राइट, इट्स फाइन। अब जैसे देखिए क्या है, सपोज मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, आपने उससे कोई हेल्प मांगी, आपने फ्रेंड्स का प्लीज गिव मी 100 रुपीज, और वो आपको 100 रुपये दे देता है और आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच। तो एक हमारा एटिकेट कहता है कि अगर हमारा कोई दोस्त है जिसकी हेल्प करना हमारा फर्ज है, तो फिर हम उससे उस हेल्प के बदले में थैंक्स की अपेक्षा नहीं करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमसे थैंक्स बोले, हमें अच्छा लगा उसकी हेल्प करना, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बोलना चाहिए इट्स ऑल राइट, बस ठीक है, इट्स फाइन, अच्छा है, बढ़िया है। तो वहाँ पर हमें थैंक्स के जवाब में ऐसे जवाब देना।
या हम उसे कह सकते हैं नो मेंशन, यानी कि धन्यवाद का बात नहीं है, या मेंशन नॉट। तो क्या सीखा हमने कि अगर कोई छोटा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी हेल्प करने में आपको मजा आया, आपको अच्छा लगा, आपका कर्तव्य था, आपका ड्यूटी था, जैसे आपके पेरेंट्स आपसे बोले थैंक्स, तो हमें नहीं कहना चाहिए नो मेंशन, मेंशन नॉट, इट्स माय प्लेजर। हाँ, एक और चीज़ है, इट्स माय प्लेजर, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर हमारा कोई सीनियर है, बुजुर्ग है, अंकल हैं, पेरेंट्स हैं, और उनकी हम कोई हेल्प करते हैं, और अगर वो हमसे थैंक्स कहेंगे, तो हमें सिंपली बोलना है कि इट्स ऑल राइट, या इट्स माय प्लेजर, यानी मुझे आपकी हेल्प करके खुशी हुई है। नेक्स्ट एटीट्यूड आपका है वेलकम, यू आर वेलकम। अब इसका देखिए कब यूज करेंगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ परमिशन चाहता है, जैसे आप मेरे क्लासरूम में आए और आपने बोले सर मे आई कम इन, तो अगर हम आपको परमिट कर रहे हैं तो हम वहाँ पर ये भी कह सकते हैं वेलकम, यू आर वेलकम, स्वागत है आपका। नेक्स्ट आपका है मे आई हेल्प यू, ये अलाउ मी। अब देखिए जैसे कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ये अलाउ मी, यानी मुझे आप ये सहायता करने के लिए अलाउ करें, अनुमति करें। अगला है आफ्टर यू, जैसे देखा होगा एक हिंदी में वर्ड है पहले आप, जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप कुछ खाने पीने को ऑफर करते हैं, तो कभी कभी आपका गेस्ट आपसे कहते हैं कि लीजिए, तब बोलते नहीं सर पहले आप, तो वहां पर हम इंग्लिश में फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, वहां पर हम बोलेंगे आफ्टर यू, यानी आपके बाद। तो जहां पर पहले आप कहना हो, जैसे आपको किसी के साथ कहीं जाना है कुछ, तो आप क्या बोलेंगे आफ्टर यू, यानी ना कि फर्स्ट यू। अगला है सॉरी, देखिए सॉरी बहुत कॉमन वर्ड है कि अगर आपसे छोटी मोटी गलती हो जाती है किसी अनजाने के साथ भी, तो हमें तुरंत सॉरी करना चाहिए, किसी को धक्का लग जाए सॉरी, कुछ जैसे कि आप कहीं जा रहे कुछ गिर पड़े सॉरी, तो सॉरी वर्ड हमें अपना छोटा मोटा खेद व्यक्त करने के लिए यूज करना होता है। नेक्स्ट आपका है पार्डन या आई बेग योर पार्डन। अब देखिए इसको कब यूज करना है, सपोज आपके टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप किसी सेंटेंस को सुन नहीं पाए, तो आप ये नहीं कहेंगे सर स्पीक लाउडली, या सर स्पीक अगेन, या सर लिटिल मोर लाउडली, गलत है। आपको बोलना चाहिए वहां पर पार्डन सर, या सर आई बेग योर पार्डन, तो सर समझ जाएंगे, मैम समझ जाएंगी कि आप उस सेंटेंस को दोबारा सुनना चाहते हैं। तो किसी सेंटेंस को दोबारा सुनने के लिए, किसी स्टेटमेंट को दोबारा सुनने के लिए आपको क्या बोलना है, पार्डन बोलना है। और नेक्स्ट आपका है मे आई कम इन, मे आई गो, यानी हमारा एटिकेट्स कहता है कि अगर किसी के आप घर में एंट्री करना चाहते हैं, किसी के रूम में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप बिना परमिशन के एंट्री नहीं करेंगे, आप पूछेंगे, जैसे क्लास में अगर आप जाएंगे तो ऐसे नहीं कि आप बस धड़ाक से घुस गए, आपको क्या बोलना है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, या आपको कहीं उठ के जाना है तो आप बोलेंगे मे आई गो। तो इफ यू यूज दीज सम गुड मैनर्स, Certainly you will be called a good-mannered person, and they will also help you to make your effective conversation. तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ, एंड टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन।